ये कैसे दे रहे थे भाई साहब 100 रुपए जिंदा। तो दोस्तों यहाँ इस मच्छी मार्केट में अगर आते हैं तो आपको 100 रुपये किलो तक भी आपको मिल जाएगा। ये कौन सी है? गोल्डन बी ग्रेड। तो दोस्तों बी ग्रेड मछली काफ़ी सस्ती होती है, यहाँ पर भाई साहब 100 रुपये किलो दे रहे हैं। अगर आप लोकल लुधियाना से हैं तो आप आके यहाँ से मछली ले सकते हैं, जो मछली खाने के शौकीन हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड में। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंडी, और मंडी दोस्तों कौन सी? वो है मच्छी मार्केट, जो है कि मछली की मार्केट जो है कि लुधियाना की ताजपुर रोड पर है, और ये बिल्कुल गंदे नाले के पास में है। और दोस्तों यहाँ पर हर वैरायटी की, हर तरह की मछलियाँ आपको मिल जाएंगी अगर आपको चाहिए। अगर आप लुधियाना से हैं तो आप यहां आकर मच्छी ले सकते हैं, और आपको दोस्तों कम रेट में सस्ते भाव में आपको मिल जाएंगी। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लाइन से दुकानें लगी हुई हैं, और आपको जितनी भी कोई भी मच्छी चाहिए, आपको छोटी बड़ी मछली सब आपको यहां मिल जाएगी। और ये लुधियाना के समराला चौक से पहले ताजपुर रोड पर ये मच्छी मार्केट है। तो आइए दोस्तों, इस मार्केट में कौन कौन सी मच्छी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आइए दोस्तों दिखाते हैं आपको जो यहाँ की मछली मार्केट है, और यहाँ पर जो कौन सी मछली मार्केट में मच्छी मिल रही है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आइए दिखाते हैं आपको मछली। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये है रोहू, और ये 140 रुपये किलो हिसाब से है, और ये प्यासा ही रहा, ये प्यासा है, और ये रोहू। चलिए आगे आपको दिखाते हैं दोस्तों कई तरह की मछलियाँ। और सामने आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भीड़ है, और यहाँ पर जो है कि लोग मछली लेने के लिए आए हुए हैं। और ये मछली आप देख रहे हैं, कौन सी मछली भाई साहब? रोहू और ब्रिगेड है। रोहू और ब्रिगेड आप देख रहे हैं, इसमें दो माता जी आपका भी फोटो। और ये मछली कौन सी है? रूपचंद। और ये वाली मछली जो आप देख रहे हैं ये रूपचंद है, और सामने आप जो देख रहे हैं ये है प्यासा है। चलिए आगे दिखाते हैं आपको और मछली कौन कौन सी है वो आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये मछली जो जिंदा प्यासा होती है ये वो है। और ये वाली मछली आप देखिए कितनी बड़ी है दोस्तों। ये कौन सी है? मल्ली। क्या बात है। अब इसका साइज आप देख सकते हैं, इसका साइज कितना, इतना लेंथ कितना बड़ा है। और ये एक चीतल इसका दोस्तों, जो एक चीतल जो सांप होता है उसके जैसा चीतल, इसका नाम ही चीतल है। और देखो आप देख सकते हैं ये, इसका मुंह कितना छोटा है लेकिन इसका साइज कितना बड़ा है। और ये गांव में इसको बोलते हैं गोइंजा सांप मछली, और छोटी छोटी मछली भी है, और झींगा भी है, आप देख सकते हैं झींगा भी है। रूपचंद कैसे है? 120। दोस्तों ये जो मछली आप देख रहे हैं ये 120 रुपए किलो, 120 ना, 120 रुपए किलो। और ये रोहू आप सबको पता है कि रोहू है। कौन सी है मछली? बी ग्रेड है। ये जो सफेद से दिख रही है बी ग्रेड है, ये बी ग्रेड है, और ये जो मछलियाँ दिख रहे हैं ये रोहू है। ठीक। और ये है मांगुर, आप देख सकते हैं। ये कौन सी है? ये तो प्यासा है ना। और यहाँ आपको दोस्तों छोटी मछलियाँ भी मिल जाएंगी, जो छोटी मछली खाने के शौकीन है वो यहाँ से ले सकते हैं। और ये मछली आप देख सकते हैं रोहू, ये रोहू है ना, रोहू गोल्डन रोहू, ये गोल्डन है, नदी का मछली और तालाब का मछली। अच्छा ये चीतल, यार मैं पहली बार देख रहा हूँ ये वाली मछली। तो दोस्तों आप देख रहे हैं चीतल, इसको दिखा सकते हैं, उठा के दिखा सकते हैं थोड़ा सा? अरे यार मैं ही उठाऊँ, थोड़ा उठा के दिखा दो। उठा लीजिए। दोस्तों ये मछली आप देख सकते हैं बिल्कुल चीतल, जो आप देख सकते हैं इसका आगे वाला हिस्सा कितना छोटा है,
और इधर से ये कितना इसकी चौड़ाई है दोस्तों, मैं आगे आपको दिखाया है कि ये कितना साइज का ही बड़ा भी हो जाता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं जो मछली है ये छोटे गोल्डन है, इसको गांव में सदरी बोलते हैं, सदरी मछली, पर उसका बड़ा भाई है ये, ठीक है, जो सदरी होती है सदरी का बड़ा भाई है। आप देख रहे हैं कितनी प्यारी मछली लग रही है। ये कैसे दे रहे थे भाई साहब, 100 रुपये जिंदा? तो दोस्तों यहाँ इस मच्छी मार्केट में अगर आते हैं तो आपको 100 रुपये किलो तक भी आपको मिल जाएगा। ये कौन सी है, गोल्डन बी ग्रेड? तो दोस्तों बी ग्रेड मछली काफ़ी सस्ती होती है, यहाँ पर भाई साहब 100 रुपये किलो दे रहे हैं। अगर आप लोकल लुधियाना से हैं तो आप आके यहाँ से मच्छी ले सकते हैं, जो मच्छी खाने के शौकीन हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था लुधियाना का ताजपुर रोड का जो मच्छी मार्केट। और दोस्तों इस मच्छी मार्केट में कौन कौन सी मछली है वो मैं आप सबको दिखाया। बाकी दोस्तों ठीक है, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में। अगर आप सबने मेरे चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप सब मेरे चैनल इंडियन फ्लाइंग बर्ड को सब्सक्राइब करिए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद आप सबका।